जी फिरोज साहब बोल रहे हैं। जी जी मैं फिरोज साहब बोल रहा हूँ। खैरियत से हैं हजरत? जी अल्लाह शुक्र है, बताएं। कहाँ पर तशरीफ फरमाए अभी? कौन साहब? अरे पहचानी है हजरत, कहाँ पर तशरीफ फरमाए? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बताएं। ड्राइव करना है? अशफाक खान बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सहारनपुर से? नहीं नहीं सहारनपुर से नहीं, बुरहानपुर से। बुरहानपुर से? जी जी। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फुर्सत से हैं? बताएं। एक मसाला पूछ रहा था हजरत। पूरा नाम बताएं आप अपना। अशफाक खान, अशफाक अहमद खान वल्द मंजूर अहमद खान, पता बुरहानपुर एमपी, स्टेट मध्य प्रदेश। तालीम? और बताएं। फैजुल उलूम बुरहानपुर का मतलब, वहाँ से कुछ तालीम? अरे भैया तालीम अपनी बताएं, फरागत कहाँ की है? फरागत कहाँ की है? आलिम गैर आलिम है, हाफिज है? मैं तालिब इल्म हूँ हजरत। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? नहीं नहीं पढ़ चुका हूँ अभी, ऐसे मतलब जो है तो पढ़ता रहता हूँ, किताबें वगैरह देखता हूँ, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब क्या है, बीवी बच्चों में लग गए हैं, काम धंधे में लग गए हैं। तो आप तालिब इल्म कह रहे हैं? तो तालिब इल्म से मुराद ये क्या तलब नहीं कर सकता आदमी? अब जैसे मस्जिद के इमाम के पास, उलमा के पास, मुफ्तियान निज़ाम के पास जाकर तालीम हासिल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, सीख लेते हैं कुछ, तलब इल्म के लिए चले जाते हैं, तो तालिब इल्म नहीं हुए। आप इतना दूर से मुझसे मसला पूछ रहे हैं? जी आपके यहाँ आलिम नहीं? आप देवबंदी हैं? आपके यहाँ आलिम नहीं है? है ना हमारे यहाँ आलिम। उनसे नहीं आपने मसला पूछा? हजरत असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो हिंदुस्तान के जो हालात बने हुए ना इस वक्त, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरह के, तो मुसलमानों के अंदर जो तफरकाबाजी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फितना और फसाद हो रहा है ना, बरेली हजरात देवबंदियों को काफिर कहते हैं और इस तरह की बातें होती है, तो इस पर मतलब डिस्कस हो जाए हमारी, हम चाहते हैं कि मतलब हक बात लोगों तक पहुंच जाए, सही बात लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए आपको लगाया सर। आप क्या? जी आप क्या हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली हूँ। अच्छा जी। और मैं देवबंदी हूँ। जी जी जी। तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी तो लोगों तक हक बात पहुँचेगी? हाँ, ये बात अगर हमारी और आपकी जब सामने आ जाएगी तो लोगों तक ये बात हम पहुंचा देंगे, तो लोगों को पता लग जाएगा कि हक पर बरेलवी है या देवबंदी है, तो दोनों में से किसको हमें सुनना है और किसके साथ रहना है। अच्छा, इस बात की इजाजत आपके उलमा इकराम ने ताज़ शरिया से ले लिया आपने? काहे की हम दोनों? हेलो हेलो जी अशफाक साहब। जी हाफिज साहब, आपका वो फोन कट गया था, किसी वजह से कॉल कट गई थी, है ना? जी जी जी। क्या फरमा रहे थे बताइए। हाँ, मैंने ये कहा था कि आपने ताज़ शरिया से आपने सनदन इजाजत ले लिया है, उनका विसाल हो चुका है, उनका विसाल हो चुका है। मेरी बात तो अल्लाह की रहमत में चले गए। मेरी बात तो जो भी सुन लें। हाँ बोलूँ मैं? बोली बोली ना जी। आपका सबसे बड़ा मदरसा कौन है? जी सबसे बड़ा मदरसा कौन है जहाँ से फतावे निकलते हैं? बरेली शरीफ में मंजर इस्लाम है, जामिया अशरफी मुबारकपुर में, जामिया अशरफिया है मुबारकपुर में, तो मुबारकपुर से आपने इजाजत ली है कि मैं अशफाक खान साहब फिरोज अहमद से बात करूंगा, तो इससे लोगों तक हक पहुंच जाएगी। अब उसके पास से कोई बहस, कोई मुनाजरा, कोई बातचीत नहीं होगी? हमने ये तो नहीं कहा कि कोई बहस, कोई मुनाजरा, कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहा। हाँ हक बात तो पहुँच जाएगी ना, आप अपने मतलब का दिफा सुनिए मेरी बात। हाफिज साहब सुन लीजिए जी, आपका और जो हमारा मसला है, तो हम तो हम दोनों का लीजिए, सुन तो लीजिए, आपको कोई मसला नहीं है हमसे? जी आपको हमसे कोई मसला नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है आपसे। आप हमको बता दीजिए, आप बरेलवियों को मुसलमान अहले सुन्नत मानते हैं? मैं बात करा था बरेली मौलाना से।
मैं बोल तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं बात करा तू बरेलवी मौलाना से। तो नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या मुसलमान सैकड़ों की अहले सुन्नत तादाद मानते हैं? सुने ना, सैकड़ों की तादाद में हाँ बरेलवी उलमा मेरे हाँ साथियों में है, मेरे शहर में है, हमारा हाँ हाँ अपना क्या कोई मानते हैं आप इख्तलाफ उनको? नहीं। आप क्या मानते हैं उनको? किसको? आप बरेलवी उलमा को, बरेलवी मौलानाओं को, बरेलवी मसलक को बरेली क्या आलिम मानते मानता हैं हूँ मैं, जी? उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, तो जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा लगा ले। तो मुसलमान मेरे मानते पीछे हैं, ना सुन्नी मानते हैं? वो मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मैं उनके नहीं, पीछे फिर वो नमाज पढ़ बरेलवी होगा लेता ही हूँ, नहीं जो आपके पीछे नमाज पढ़ेगा। नहीं, एकदम बरेली है। वो बरेलवी हो ही नहीं सकता। बरेलवी अच्छा, मुबारक आपके उनसे पीछे नमाज सनातन नहीं आलिम पढ़ेगा, है। क्योंकि बरेलवी देवबंदियों को काफिर मानता है। एक जी हेलो, सुनते ले भाई, एक सुन तो रहा मिनट हूँ, भाई। बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ आप जिसको कह रहे हैं बरेली नहीं होगा, नहीं है ना, या तो फिर आप बरेली नहीं हो, नहीं वो बरेलवी क्योंकि नहीं वो हो तो सकता जो मुबारक देवबंदियों को मुसलमान माने उनके पीछे नमाज पढ़े, चाहे वो अपने आप मतलब को दिन भर मुबारक बरेलवी कहता हो। मतलब मुबारकपुर से सनातन आलिम है वो अगला, कोई भी हो ना, एक्स वाई जेड, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, आप मुफ्ती हो, जो भी देवबंदियों को मुसलमान मानता आप हो मुफ्ती हो, उनके कुफर को जानने के बावजूद वो मुसलमान, वो बरेलवी नहीं हो सकता। आप मुफ्ती हो, फतवा दे रहे नहीं, हो। बरेलवी को मुफ्ती होने की जरूरत नहीं इस मामले के अंदर। हम अपने उलमा की पैरवी करते हैं, हमारे उलमा ने ये फरमा दिया है कि जो आपने तो देवबंदियों के मुबारक, कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हाँ, आपके उलमा ने नहीं, आपके सिख एक आलिम ने फरमाया है, मन कौन से एक आलिम? सकती तो फिर आजादी फकद कफर, मुझे अच्छी एक तरह आलिम ने याद है, किसने कहा? एक कितने एक आलिम? तकिया मैं वाला। आलिमों के नाम बताऊं, आपको नाम गिनाऊं कितने आलिमों ने कहा है? अरे इब्तिदा उन्होंने की है, ये जुमला नहीं, जो है ना नाम उन्हीं की बताऊं है। कितने आलिम? आपने एक आलिम कहा मैं तो ना कह रहा हूँ ना, ये जुमला जी, भाई उन्हीं का है, और उसके बाद से उलमा ने भी उन्होंने उसे कहा, उस एक उसी की आलिम ने नहीं मातहती कहा, में। एक आलिम ने नहीं कहा, हजारों आलिमों के नाम नहीं बताता हूं मैं आपको। तो जो मैंने जिसका बताया है, जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं और वो जी मुबारकपुर से सनातन मुफ्ती हैं, आलिम हैं, तो नहीं, ऐसे आपके आप बोलने उनपे से नहीं फतवा होता है लगा रहे हैं। मौलाना। ए हाफिज सुने ना, जी, आप उनपे फतवा लगा रहे हैं, आप आपके बोलने से नहीं होता मुफ्ती हाफिज जी। कि आप किसी के बारे में बोले, मैं कह दूंगा कि मैंने कितने देवबंदियों को देखा है कि देवबंदी मजहब छोड़ करके सुन्नी मजहब में दाखिल हो चुके हैं, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती अच्छा है ऐसे बोलने से। अच्छा, बोलने की बात नहीं है, मैं आपसे बात करा तो उनसे बात बेहतर रहेगा, करिए, सुनिए, इतनी बात इधर उधर बात भी करने करा से दें, बेहतर है कि बात पर बात कर बात करा लीजिए। दें, हाँ बात करा दें, क्या? आपकी बात करा दें अरे उनसे तो कि हमें थोड़ी ना मालूम आपको होगा वो कौन ये से क्या है, साहब हमने कुछ सूरत देखी होती? नहीं मेरी सूरत देखी आपने, देखी। तो फिर मेरे पर कैसे यकीन करेंगे? आप बोल रहे हैं ना कि मैं देवबंदी हूँ, तो वो भी तो बोलेंगे ना कि मैं तो झूठ बरेलवी हूँ, बोलेगा ना वो। ये देवबंदी बोल करके अगर अच्छा वो मैं अपने सच आप को बोल रहा बरेल, हूँ। वो अपने आप को बरेलवी कह करके अगर देवबंदी की इब्तिदा में नमाज पढ़ने की बात करेगा तो फिर वो झूठा बरेलवी है, अच्छा वो बरेलवी नहीं है। सनत तो उसके सनद भेज दूँ तो यकीन हो जाएगा। से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आला हजरत के पास क्यों ना पड़ा अच्छा हुआ हो, अगर देवबंदियों को मुसलमान समझता तो बरेलवी नहीं है। तो मुफ्ती हो भाई, कौन? आप मुफ्ती हो अरे तो मैं आला हजरत को फॉलो करता हूँ, आला हजरत ने फरमाया ना, मन शक्का फी कुफरी व आप अजादी आला। सफर, हाँ मैं भी यही कह रहा था, तो कह रहे थे कि आप तो बहुत आप कह सारे रहे हो एक आलिमों ही ने ने कहा, कहा है, तो मैंने उस पर कहा कि आपको पूरी इन्होंने देश नहीं को भेज दूंगा। कहा हाँ है, ये जुमला मैंने पढ़ा था, मन शक्का फी कुफरी व आजादी फकद गफर, ये अहमद रजा खान साहब जी तो ने ये है। आप कह रहे हैं कि एक ही ने कहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी लिस्ट भेज देता हूँ आपके पास। इनसे जरा बताए ना, इन इनसे पहले किसने कहा? पहले किसने कहा? ये बात नहीं हुई आपकी, अच्छा इनसे ही इस्लाम शुरू हुआ है क्या? आपने क्या बोला? आपने क्या बोला मैंने? ही कहा कि सिर्फ एक आलिम ने कहा है आपसे, तो मैंने क्या गलत कह दिया? ये आपके आलिम नहीं एक है आलिम ने नहीं अहमद कहा रजा ना, खान मेरे एक साहब? आलिम ने नहीं, मेरे हजारों आलिमों ने कहा ना। मैंने ये कहा है कि जब जी सबसे पहले मन शक्का फी नहीं, कुफरी व सबसे पहले तो आजादी, लफ्ज नहीं बोले ना आप। सुनते ले भाई मेरी बात तो अरे हाफिज सुने, साहब मन नहीं शक्का बोले फी ना, फिर कुफरी सुनते ही, ले क्या मतलब? मन शक्का फी कुफरी ही व आजादी ही फकद गफर, ये किसका जुमला है? भाई ये जुमला आपके कई आला हजरत आलिमों ने का है। कहा, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कह मैंने रहे हैं कि पहले मैंने एक यही ने कहा, एक नहीं पढ़ा कहा, हजारों ने कहा है। क्या है, पहले मैंने यही पढ़ा है, आपसे पहले मैंने ये जुमला पढ़ा है, बोला आपने? मन शक्का फी कुफरी ही व आजादी नहीं ही फकद आपने, गफर, सुनिए ये एक सुनिए आपके एक आलिम हाफिज ने जी, कहा है हाफिज जी सुनिए, जी। आपने ये कहा क्योंकि याददाश्त कमजोर हो गई शायद आपकी, तो वो आपने है अल्हम्दुलिल्लाह, ना, अल्लाह का जब इस्तिंजा शुक्र वगैरह है। में जाया करे तो सर पर टोपी वगैरह लगा लिया करे, ये बेहतर तरीका है, अच्छा सर ढाक कर जाना चाहिए, सुन्नत है ना?
मुझे नहीं पता था, आप बता रहे हैं मुझे। जी जी अमल कर, अमल आप मुझे इस तंजे का तरीका सिखा रहे हैं और मुझसे मसला भी पूछ रहे हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं। उन्हें वो आपकी याद है, कमजोर है, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, सुन तो लीजिए। आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले, खुद तो पहले समझ लो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझा हुआ हूँ ना, तभी तो समझा रहा हूँ आपको। क्या समझे हुए हो भाई? मैं समझा हुआ हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। क्या लग, एक बात बताऊँ मैं? जी बोलिए। आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जब बात प्रॉब्लम नहीं कर पाते, या बात नहीं कर पाते भाई, हजार बात तो मैं कर ही रहा हूँ, आप तो इधर उधर भाग रहे हैं। देर हंस देने से आप सही हो जाओगे, मैं गलत हो जाऊंगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं तो मैं देख रहा हूँ, आपकी बात की बात हंस रहे हैं। नहीं मैं कोई जोक सुना रहा हूँ आपको? बिल्कुल जोक सुना रहे हैं आप, जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे। अच्छा, और आपकी बातें एकदम काबिले तारीफ है, लिखने बिल्कुल तारीफ करिए आप, बोलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो किस लिए बोले? जब उस लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते यार, अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी बोल रहा हूँ। अब क्यों किस लिए बोले, कैसे पूछ रहे हैं यार आप? आपको मुसलमान चलिए सुनिए, तो बताने के अलावा कुछ नहीं आता है। ओ मौलाना, ओ हाफिज जी, हाफिज जी जी क्या याद कर रहा था? आप काम करो पहले, हंस लो जी भर के, फिर बात सुनिए। तो आप इधर उधर जाएंगे तो हंसी तो आएंगी ना? कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये जो बातों में जा रहे हैं ना, पैदल पैदल नहीं जा रहे हैं, बातों में जा रहे हैं जी। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम गुफ्तगू कर लेंगे तो इसका कुछ फायदा हो जाएगा, चंद लोगों तक बात पहुँच जाएगी ना। तो क्या इरादा है आपका? आपके पास लिखित है? आपका इरादा नहीं है बात करने का? लिखित है आपके पास? आप जाते हैं मौलाना मुनाजिर बन के आए? मौलाना 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 दे दो आप मुझे बात को सुन लो। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आयन करें, सुन तो लो, आयन करें, लिखित आए उसके बाद बात करें। ए मौलाना सुन तो लो, भैया कौन है वो पीछे से आवत है ना दरबारिया लग रहा हूँ। ए मौलाना हाफिज जी सुनाओ यार, सुन रहा हूँ भाई। गाड़ी मैं कह रहा था कि तबलीगी जमात में जब आप जाते हैं लोगों को दावत देने के लिए, तो फिर पूछ कर जाते होंगे, लोगों से लिखवा कर ले जाते होंगे अपने बड़े मदरसे से। आप दावत दे रहे हैं? आप जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस्लाम की दावत दे रहा हूँ आपको कि आप इस्लाम की तरफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान। आप एक गलत अकीदे पर कायम है, उस अकीदे को मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ आपका, इसलिए बात कर रहा हूँ। अकीदा जान लो भाई, किसे कहते हैं? जी मैं जानता हूँ ना, आप गलत अकीदे कर रहे हैं। चले बात करें, तारीफ करें अकीदे, चले करें बात करें, तारीफ करें मौलाना। ओ मौलाना बात करें, अरे बात करें। अरे भाई आपका अकीदा है कि नहीं कि गैर अल्लाह से मदद मांगना शिरक है? भाई पहले अकीदे से, अकीदे की तारीफ तो हो जाए, तब ना जानेंगे कि अकीदा क्या। अरे यार आप ना, जब आप मतलब जो है ना बात ही नहीं करना चाहते यार मौलाना, इधर उधर घूम रहे हैं यार, ये कोई बात होती है? ऐसे बात करते हैं क्या? हाँ कैसे करते हैं? कितनी देर हो गई लेकिन आप इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन बात पर आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, क्यों डर रहे हैं आप इतना? मैं डरता तो फोन काट देता भैया, आपसे डर लग रहा है। नहीं क्या बात है, आपसे अच्छे नहीं, आपके अकीदे पे बात करना चाहते हैं, आप अकीदे पे बात करना चाहते हैं और अकीदे की तारीफ नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं अकीदे की तारीफ कर देते हैं ना जी, अकीदे की तारीफ करने में क्या है, लेकिन भाई अकीदे की तारीफ अगर हम कर देंगे तो आप अकीदे पर बात कर लेंगे फिर? तो अकीदा सिर्फ अकीदे पर बात करेंगे मतलब? अरे भाई जिस चीज पर भी बात करना हो। ये क्या बात कर दी आपने, तैयारी नहीं करके आए क्या? कितने पहले तैयारी करके आते फिर फोन करते? हम तो तैयारी से ही है, आप किधर किधर भाग रहे मेरी समझ नहीं आ रहा है। भाग रहे क्या मतलब? मैं तो गाड़ी के सीट पे बैठा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं भागूंगा कैसे? ड्राइव कर रहे हैं ना? हाँ तो ड्राइव करते करते किधर जा रहे हैं? बस जा मंजिल मकसूद पे जा रहे हैं। असल में मंजिल इरादे तरीक और तरीके में सभी पढ़ाया आपने, आपके मंजिल मकसूद क्या है? वही बता रहा हूँ मैं भी समझा रहा हूँ, इरादे तरीक और तरीके में सभी पढ़ाया आपने। अब हम तो यार तालिबे इल्म, हमने पहले ही कह दिया हम कहाँ पढ़े लिखे हैं ज्यादा, तो पहले और पढ़ लो फिर बात करना। नहीं हम तो चाह रहे थे कि मतलब आपका वही तो कह रहा हूँ, अभी तालिबे इल्म हो और मैं उस्ताद हूँ। नहीं आप उस्ताद काम से जिन जिनसे आप पढ़ते हो ना जी, उनको मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा आप कहाँ से पढ़े? वो छोड़े ना, अभी आपने तो अपनी बात भी की नहीं, हाफिज जी मौलाना साहब ने बना दिया
सबसे पहले बात करने की तहजीब और तरीका नहीं, हमने आपसे पूछा था बात, तो आपने बोला ही कि मैं हाफिज नहीं हूँ। आपने पूछा, हम अभी पूछ रहे हैं जो चीज आप अभी पूछ रहे हैं बात करने के बीच में। अच्छा जी, पहले होनी चाहिए कि भाई आपका तारुफ क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा था। नहीं, मुझे पूछा ना कि आप कहाँ से पढ़े हैं। आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। दूसरी चीज ये है कि अभी मैंने आपसे पूछा इराते तरीक और तरीके मुस्तवी बताएं, फिर मैं मंजिल मकसूद बताता हूँ। आप बहुत आगे तक जा रहे हैं ना, इतनी लंबी बहस करेंगे तो कुछ सुनेगा नहीं ना यूट्यूब पर। कहाँ लंबी बहस है भाई, ये हर एक मुनाजिर को मालूम होना चाहिए, इतना इल्म तो होना चाहिए। अरबी सोम के तालीब यानी इब्तदाई बच्चों को ये पढ़ाई जाती है ना, पढ़ाता हूँ। ये जो आप बात सुनाएंगे सुनेंगे नहीं, सुन तो रहे हो आप, सुनाएंगे क्या कर रहे हैं तो जवाब देना ही रहते। तरीफ तरीफ से मुस्तवी बताए बाला मुझे, तरीफ के माने जानते ना क्या होता है? बिल्कुल जानते, रास्ता जी। तो अब इसी से मुतालिक है, मंजिल मकसूद की बात हो रही थी, हमने कहा पहले इसी से मालूम कि भाई असल में क्या हम आपके काबिल हैं बात करने के। सुनिए ना, सुनिए ना, इतनी देर से आप सुना रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं आपकी। कितनी देर हो गई है? चलिए अच्छा, आप ये बताइए कि आप जवाब दीजिए। सुने, मैं खामोश हूं लेकिन सुनिए जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, आप आलिम हैं। मुझे ये लगा कि आप हाफिज हैं, तो हमने जो सुना हाफिज में हूं और आलिम भी हूं। अच्छा, आलिम भी हूं और आलिम भी। कहां से फरागत है आपकी? दारुल देवबंद। अच्छा, देवबंद से फारिग हैं आप, माशाल्लाह। चलिए तो फारिग, हां जी फरागत है ना वहां से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फिर तो अकीदा आपको कितना मालूम होगा आपका? फिर आप आ गए पहले मेरे जवाब में, फिर आ गए। अरे मौलाना, जवाब तो हम बहुत देर से सवाल कर रहे हैं, आपने कहा जवाब दिया? आप सोचे आप इधर बात कर रहे हैं, आप बताए ना, आपको अकीदा तो मालूम होगा आपका? मेरी बात तो सुने आप, सुनिए तो, आपको मालूम है कि नहीं ये बताइए। मुझे अकीदा मालूम है कि नहीं मालूम है वो छोड़े, आपका अकीदा आपको मालूम है कि नहीं है? एकदम मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है ना। तो चलिए आ जाएं, आपके अकीदे पर कुछ बात कर लेते हैं। नहीं सुने ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पता चल गया कि आप एक आलिम से बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आलिम से बात करने के लिए थोड़ा सा तो इल्म होना चाहिए ना, क्योंकि आप बहस कर रहे हैं, मसला नहीं पूछ रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो बहस करने के लिए सामने वाले का अंदर इस्तिवा पाया जाना चाहिए, आमने सामने अगर इस्तेवा होना तो बेहतर होता है बात करने में। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि दूसरी तरफ मौत है, कहाँ लिखा है? क्या कहाँ लिखा? अच्छा मतलब अब आपको ये भी बताऊं कि ये कहाँ लिखा? बराबरी चाहिए ना, अब आपको तो कहाँ लिखी बता देंगे। तो आपको बताएंगे, बहुत सारे ऐसे मुल्ला है जो बराबरी में कुछ भी नहीं है लेकिन वो बराबर बात कर रहे हैं हमारे उलमा से। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हो तो आपके मसलक के मुताबिक नहीं हुए थे। अच्छा, आप नफसन आप अपनी जात से मुझसे बात करने आए कि तमाम बरेलियों की तरफ से? मैं तो बरेलवी हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो बरेलवी हूँ, जो मसाइल है उसके एतबार से मैंने आपसे बात करना चाहिए, लेकिन आप बात को कभी यहाँ घुमा रहे हैं, कभी वहाँ घुमा रहे हैं, कभी वहाँ घुमा रहे हैं, कभी यहाँ घुमा रहे हैं। आप मतलब ड्राइवर है तो आप घूमते ही चले जाएंगे, अगर ड्राइवर से बात कर दी हो तो मैं ड्राइवर से बात करवा दूँ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्राइवर हूँ जी। तो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हाँ, अभी तो फिलहाल तो ड्राइवर हैं आप? मेरा पेशा नहीं है। तो आप कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो सीधे आ जाइए ना मौजू पर। कौन सा मौजू आपने तय किया? जब आप, मैंने आपको ये कहा कि हम, मैंने ये कहा आप होते कौन हो भाई मौजू तय करने वाले? बात दोनों मतलब आपको बात नहीं करनी है तो मौलाना बंद, बात नहीं कर रही तो फिर भागना है तो इधर उधर चले जाओ। मौजू तो आपने मौजू तय किया ना लगातार, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, न जाने कितने मौजू तय चले गए आप। मौजू तय किया है आप यहाँ वहाँ इधर उधर वहाँ किधर किधर चले गए। मैंने आपसे कहा था, सुनिए सुनिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने ये कहा था, आप होते कौन हो? सुनिए तो, दोनों आदमी को बात करना है तो दोनों आदमी मिलकर तय करेंगे ना। सुनिए तो, बात होनी है तो लो, फिर इधर उधर जाता तो बात होती है, हाँ यहाँ चला गया वहाँ चला गया। सुन तो लो, अपने अकीदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको, है ना? फिर आ गया क्योंकि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि हम बात कर लेते हैं, कुछ बातें लोगों तक पहुंच जाएगी, आप कौन है, बातिल कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, इस पर लोगों तक बात पहुंच जाएगी, तो आपने कहा लिखवा कर लेकर आओ,
ठीक है, आप जब तबलीगी जमात में जाते हैं तो लिखवा कर ले जाते हैं? एकदम लिखवा कर ले जाते हैं। किससे? हम बरेली देवबंदी नहीं देखते हैं, हम मुसलमान देख के जाते हैं उससे। मतलब मुसलमान है ना बरेली, आपकी नजर तो मुसलमान हो गए ना फिर बरेली। मैंने कब कहा मुसलमान नहीं है? तो फिर आपके मतलब मुसलमान नहीं मान रहे उनको, चलेगा घूम पहले मौजूद तक वही तो आ जाइए हम। अरे आप और मौजूद शुरू में भाई, आप देवबंदी है कह रहे हो तुम्हें तो आने की बात। अरे बाबू फंस गया बात का। आप देवबंदी है, आप कह रहे बरेली मुसलमान है, तकवीर तो ईमान वाला कह रहे बरेली मुसलमान नहीं है। आप पूछे ईमान वाले क्या कह रहे पहले इल्म के पास जा रहे। अरे भाई आप सच्चे के पास सच्चा मेरी बात तो सुने। आप कह रहे हैं कि बरेली मुसलमान है, आप कह रहे हैं ना बरेली मुसलमान है। मैंने कहा कि मैं मुफ्ती से आपकी बात करा रहा था। बरेली मुसलमान है कि नहीं है आपके नजर में, बताइए ना। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? बात करा उससे बरत करा, आप कर लो ना बात। मैंने कहा 10 से 20 लोग मुसलमान है ये बताइए, जो मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। बरेली बरेली ही नहीं है, बरेली मुसलमान है कि नहीं है ना? अरे भाई बरेलियों को मुसलमान मानते कि नहीं? तुम तो खुद ही मुसलमान नहीं कह रहे हो ना, बरेलियों को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं, तुम बताओ ना। मैं तो उसी टाइम माना हूँ, लेकिन आप बस तो फिर तो तकवीर ईमान वाला तो मुसलमान नहीं मान रहे, तो अब आ जाए बात करें। तकवीर ईमान का आपने कहा था कि वो बरेली ही नहीं है, कि मैं किसी नमाज पढ़े। हाँ तो वो बरेली हो ही नहीं सकता, मैं उन्हीं बरेली को जानता हूँ। आप किसको बरेली कह रहे हैं? आप मुसलमान नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हैं हम जब तबलीगी जमात में जाते तो ना बरेली देखते ना देवबंदी देखते, हम मुसलमान देखते हैं, तो आप बरेलियों को मुसलमान मानते हैं ना भाई? अभी तो मैंने बताया आपको कि हम तबलीगी जमात में जब जाते हैं तो नमाज थोड़ी ना पढ़ते हैं। उन जो की बात कर रहे हैं बरेलवी हैं, हमारे यहाँ आते भी हैं, हम उनके यहाँ भी जाते हैं, वो हमारे पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। आप बरेलवियों को मुसलमान समझते हैं मौलाना? मैं जिन बरेलवियों बरेलवियों को आपको आप बरेलवी मानते ही नहीं हो, तो बरेलवियों को आप मुसलमान समझते हैं? मैं जिन बरेलियों को जानता हूँ उनको आप बात को इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? बात करें ना कि आप कभी कहते लिखवा कर लाओ, कभी कहते तबलीगी जमात में हम जाते हैं तो ना हम बरेलवी देखते हैं ना सुन्नी वो देवबंदी देखते हैं, हम सबसे बात करते हैं, सबको समझाते हैं, मुसलमान देखते हैं। जब आप मुसलमान मानते हैं तो तकवीर ईमान वाला तो मुसलमान नहीं मानता है, तो अब आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप मुझे समझा रहे हैं? हाँ तकवीर ईमान वाले के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं आप मुझे इस्लाम समझा रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझाऊंगा ना आपको, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं, आपका उल्लू कुछ और बोल रहा है। इस्लाम की बुनियाद बता दें, आपका उल्लू माँ कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हैं। चलिए ना भाई बंद कीजिए उसको यार, तकवीर ईमान वाला आपका मुल्ला कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद बताओ, तकवीयत ईमान वाला आपका मुल्ला नहीं? उधर मत बोलिए, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मसाइल ले जाऊंगा मैं और बहुत सारी बातें समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका मुल्ला तकवीयत ईमान वाला कह रहा है कि बरेलवी मुसलमान नहीं है, जो अकीदे के एतबार से बरेलवी है, और आप कह रहे हैं वो मुसलमान है, तो आप झूठे के वो झूठा। आप मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे ना, बुनियाद बताओ ना। अरे आप किसी मुसलमान को काफिर कहेंगे आपको नहीं समझाया जाएगा? इस्लाम की बुनियाद पर आपके मुल्ला के मुताबिक आप किसी मुसलमान आप किसी काफिर को मुसलमान कह रहे हैं तो फिर आपको समझाया जाएगा दोनों में से झूठा कौन है? प्रधान जी उनका तो चलिए बताइए, इस्लाम की बुनियाद बताओ। इस्लाम की बुनियाद पर इख्तिलाफ नहीं है हमारा, तुम्हारे मुल्लाओं की किताब पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ जिस बात पर होता है, तुमने तो अभी कहा है तुम्हारे मुल्लाओं की किताब पर इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ जिस बात पर होता है बात उस पर होती है, समझे? चलो काम कर लूँ, सुनो सुनो मैं काम कर लूँ, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, एक हमारे साथी हैं उनसे बात। आप भागोगे? आप भाग नहीं, आप भाग जाओगे इधर उधर इतनी लंबी बात करने के बाद में, आपने कोई बात नहीं कही, आप भाग गए। लाइन पे रहे ना, मैं नहीं ये तो कोई बात नहीं, आप भाग जा रहे हैं, आप किसी और को लेकर आ रहे हैं, मतलब आप पहले मान लीजिए कि आप हार गए। असल में मैं मुझे जहाँ जान लीजिए आप बात नहीं कर पाए, इतनी देर से आप फंस गए तो आप भाग रहे हैं। ओ भाई क्यों बोला ना चलिए चल चलिए भाग जाइए। कह तो रहा हूँ मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बात करा रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, आपसे बात कर रहा हूँ ना, किसी और से क्यों बात कर रहे हैं? अभी तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ऐसे फंसे तो भाग गए आप।
मैं बिजी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। अभी तक आप बिजी नहीं थे? आप नहीं था तभी तो बात कर रहा था। अच्छा अभी बिजी हो गए बिल्कुल जैसे ही फंसे वैसे ही। अच्छा बता दीजिए, अच्छा इतना बता दीजिए बात खत्म करें। सुनिए तो तकलीफ नहीं मान वाला जिंदा है कि आप झूठे हैं? अरे यार इस्लाम की बुनियाद तकलीफ नहीं मान वाला जिंदा है कि आप झूठे हैं? मैंने कहा इस्लाम की बुनियाद पर इख्तलाफ नहीं हमारा, हमारे इख्तलाफ के मसाइल पर उस पर बात होगी। तो भाई आप बोले तो मैं आपको इस्लाम सिखाने आया हूँ। हाँ तो इस्लाम तो सिखाएंगे ना, जो सिखाओगे उसकी बुनियाद ही पता नहीं आपको। तो बाबू जिस पर एतराज किया है उस पर बात करेंगे ना। तुम कह रहे हो कि क्या बरेली मुसलमान है और तुम्हारा मुल्ला कह रहा है कि बरेली काफिर है। मैं वही तो कह रहा हूँ। चलो बात कर रहे हो किस काम पर लग रहे हो? मैं आपको बात करा दे रहा हूँ। किससे हो गया कि हाँ भाग गया? किससे? मैं फ्री हो गया सारी बात। किससे बात करूँ? किससे बात करूँ? किससे बात कर रहा है? हेलो किससे बात करूँ? कोई अल्लाह का बंदा ही ना होगा, होल्ड कर रहा है। तो कौन है, नाम तो बताएं। हेलो हेलो।